बहुत सारे इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, बहुत दूर से लोग, यहाँ तक कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लोग इन बच्चों को गाइड करने आए हुए हैं. आई वेलकम यू ऑल डेफिनेटली टुमारो, वन फूड फॉर ऑल. आज हम एजुकेशन कॉन्क्लेव का फेज सेकंड में आए हैं. फेज फर्स्ट वी हैव डन इन जनवरी, दैट वाज इन जम्मू. Then from January we were preparing and we were actually in touch with school education as well. So जो हमारा basically agri industries विकास chamber है उनके साथ हमने collaboration यहाँ पे किया और हमने basically जो NEP में different challenges है, apart from that जो felicitations है, जो हमारे toppers हैं, not only students but the teachers, principals, whosoever is contributing in the education. Our job is that to give them the platform so that they can do more and much better, ताकि वो आगे और अच्छा करें. फेलिसिटेशन से क्या होता है, एक बच्चे को जो फेलिसिटेट आप करते हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि अराउंड 30 से 40 कॉलेज के यूनिवर्सिटीज के VCs आए थे, तो वाइस चांसलर से हाथ में एक 8th के या 10th और 12th के बच्चे का एक अवार्ड लेना उसके लिए बहुत बड़ी बात है. और हम समझते हैं कि इन चीज़ों के लिए हमें और काम करना चाहिए और ऐसे कॉन्क्लेव्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो बेनिफिट हो जाएं. और जो एनईपी का जो हमने एक ख्वाब देखा है, ताकि हम जो अनएम्प्लॉयमेंट विच इज एट द वेरी यू नो लाइक एट राइज, वी आर ऑन द नंबर 2 एज फार एज अनएम्प्लॉयमेंट कंसर्न अमंग द होल कंट्री, आफ्टर हरियाणा वी आर नंबर 2. सो उस चीज़ को खत्म करने के लिए अगर एक सोल्यूशन है वो एनईपी है, लेकिन उस एनईपी को हम लागू कैसे करें, उस एनईपी को हम कैसे अपने ग्राउंड पे लाएं, और क्या क्या चैलेंजेस रहेंगे हमारे बच्चों के लिए, हमारे टीचर्स के लिए, हमारे प्रिंसिपल्स के लिए, हमारे उन सारे स्कूल ऑनर्स के लिए जो ये अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चैलेंजेस हैं जिसके बारे में हम कल बात करेंगे. आई विल बी पर्सनली डिलीवरिंग अ स्पीच एंड प्रेजेंटेशन ऑन दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज बीन, यू आपने खुद देखा 1000 से ज्यादा बच्चे यहाँ पे आए, इट वॉज ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्स. वी वर नॉट इवन एक्सपेक्टिंग दैट मच ऑफ रेस्पॉन्स, बट थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह दैट ही हैज बेस्टोर्ड अस विद यू नो लाइक ऑल दीज थिंग्स. And these students had come and hope that ये बच्चे यहाँ से कुछ सीख के निकले और इंशाल्लाह आगे भी ऐसे इवेंट्स होंगे. तो ये इवेंट जो आज देख रहे हैं आज कंटिन्यू रहा और ये कल भी रहेगा. 13 एंड 14 का ये डेट था जिसमें ऑलमोस्ट यू कैन से 3000 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट आज किया, ओवरवेलमिंग रेस्पॉन्ड रहा. और यहाँ पे हमने मदद किए हैं सारे जो अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टूडेंट के लिए, तो वो एग्जिबिशन भी लगी हुई है, बच्चों ने काफ़ी सारा फ़ायदा लिया, उन ऊपर जाके एग्जिबिशंस पे गए. और ये कंटिन्यू कल भी रहेगा, आपके माध्यम से मैं भी रिक्वेस्ट करूँगा सारे बच्चों को, सारे स्कूल्स के बच्चों को, SKICC कल भी आइए, कल भी यहाँ पे अच्छा इवेंट रहेगा. और सारी यूनिवर्सिटीज़ प्रेजेंट है, जो भी आपकी कॉलेज है कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड, तो प्लीज़ डू कम.